गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। सो चिल्ड्रन, आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 14, रुपीज़ एंड पैसा। हम सबको पता है, हम सब बहुत पैसे और रुपीज़ यूज़ करते हैं कई चीज़ों के लिए। तो हमको पता है व्हाट इज़ रुपीज़ एंड व्हाट इज़ पैसा। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बता देती हूँ कि व्हाट इज़ रुपीज़ एंड व्हाट इज़ पैसा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ 1 rupees। ओके, 1 rupees का मतलब क्या होता है? 1 rupees में कितना पैसा होता है? एक होता है रुपीस और एक होता है पैसा। ओके, अब रुपीस जो है और पैसा जो है वो क्या होता है? तो 1 rupees का मतलब होता है 100 paisa। ओके, व्हाट इज़ 1 rupees? 1 rupees में 100 paisa होता है। जब 100 paisa हो जाता है तो वो 1 rupees बन जाता है। आपको समझ आ गया? अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोलूँ 2 rupees, तो 2 rupees मतलब क्या होता है? 1 rupee मतलब 100 paisa, तो 2 rupees मतलब कितना होगा? तो 100 multiply by 2 इज इक्वल टू 200, तो 2 rupees मतलब होगा 200 paisa। अगर मैं लिखूँ 3 rupees, तो वो होगा 300 paisa। इस तरीके से आपको जो भी जितना भी रुपीस लिखना है उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लिखो 17 rupees, तो इसको अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? डायरेक्ट हम इसको 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1700। अगर कोई भी नंबर के पीछे ये जैसे 0 है 00 है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 00 पीछे लगा देना, तो उसके अंदर 1700 हो जाएगा। तो 17 rupees मतलब 1700 paisa, इस तरीके से। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। रुपीज़ एंड पैसा। लेट्स मेक अ मनी पर्स। आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ कॉइन्स बट आई डो नॉट हैव अ पर्स। अब यहाँ पर एक लड़का है, वो बोलता है कि मैंने बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट कर लिए हैं लेकिन मेरे पास एक पर्स नहीं है जिसके अंदर मैं वो पैसे रखूँ। तो ये बॉय क्या बोलता है? लेट्स मेक अ मनी पर्स। तो हम एक काम करते हैं, एक मनी पर्स बनाते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको पूरा मनी पर्स कैसे बनती है वो दिखाया गया है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड मेक अ फोल्ड, और मेक अ फोल्ड एट द सेंटर। एक पेपर लेना है और उसको सेंटर से फोल्ड करना है। फोल्ड बोथ द कॉर्नर्स ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी आपको दिख रहा है, इन दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड करना है टू मीट एट अ डॉटेड लाइन, इस तरीके से कि वो यहाँ पर डॉटेड लाइन पे मीट करे। नाउ द शीट विल लुक लाइक दिस। उसके बाद शीट कैसी लगेगी? इस तरीके से लगेगी जब आप उसको फोल्ड कर दोगे। फोल्ड द टॉप पार्ट ऑफ द शीट बैकवर्ड सो दैट द बैक ऑफ द शीट लुक्स लाइक दिस। और उसके बाद जो बैक पार्ट है उसके अंदर उसको फोल्ड कर देना है इस टॉप को, तो ये इस तरीके से लगेगी। द फ्रंट शीट लुक्स लाइक दिस। और फ्रंट में ये इस तरीके से लगने वाली है। प्लेस द फ्रंट साइड ऑफ द शीट अप एंड फोल्ड द एजेस सी डी एंड ई एफ टू मीट द डॉटेड लाइन। अब क्या कर रहा है? फ्रंट साइड जो है उसको रखा है ऊपर की साइड पर, और उसके बाद फोल्ड द एजेस, एजेस सी डी को फोल्ड करना है और ई एफ को फोल्ड करना है टू मीट एट द डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन पर मिले इस तरीके से। नाउ इट विल लुक लाइक दिस। और अब वो इस तरीके की लगेगी। Fold down the top along with the dotted line so that the figure now looks like this. फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। Fold the black back flop down and the money purse is ready. और ये जो back flop है, जो पीछे वाला flop है, उसको fold करना है, तो ये जो purse है वो इस तरीके से लगेगी। आप सब भी इसको try करना, कोशिश करना कि purse बनती है या नहीं बनती है। Okay? मनी फॉर आवर पर्स। अब पर्स के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वरना पैसों के बगैर पर्स क्या काम की है ना। सो कलेक्ट डिफरेंट कॉइन्स, अलग अलग कॉइन्स। कीप अ पेपर कॉइन ऑन द फ्लैट टेबल, प्लेस अ थिन पेपर ऑन इट, राइट विथ वन हैंड, होल्ड द पेपर टाइट, रब द टिप ऑफ द पेंसिल ओवर पेपर सॉफ्टली टू ट्रेस द पॉइंट।
अब आपको यहाँ पर जो ट्रेस करना है, कॉइन किस तरीके से ट्रेस करते हैं वो बताया गया है। तो एकदम सिंपल है, आप कोई भी कॉइन ले सकते हो, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, जो भी कॉइन है आपके पास इसको लो। और एक जो पेपर है उसके डाउन साइड, मतलब उसके पीछे वाली साइड पे आपको पेपर के कॉइन को रखना है, और उसके बाद पेज प्रॉपरली रख देना है, और उसके बाद पेंसिल से जहाँ पर कॉइन है उस प्लेस को, जिस पेज पर आपको ट्रेसिंग चाहिए वहाँ पर रब करना है। स्लोली द फेस ऑफ द कॉइन विल अपीयर, और धीरे धीरे से आपको क्या होगा, जो कॉइन का फेस है वो अपीयर करना स्टार्ट कर देगा। कट द ट्रेस्ड कॉइन्स एंड प्लेस देम इन द पर्स, और उसके बाद जो ट्रेस किए हुए कॉइन्स हैं उसको हम ईजीली पर्स में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर आप देख रहे हो। नाउ मेक नोट्स बाय कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑन ईच नोट, और उसके बाद अभी आपने कॉइन्स तो बना लिए पर्स के लिए, अब नोट्स बनानी है, तो नोट्स भी आप पेपर्स कट करके और उसके ऊपर जो अमाउंट है वो लिख कर, वैल्यू लिख कर आप नोट को बना सकते हो मनी के। Use the notes and coins to show the following amounts of the money. You can also keep some money in the purse you had made. अब यहाँ पर लिखा है कि जो हमने notes और coins को है उससे amount of money, हमें एक amount बनाना है, जैसे कि यहाँ पर 20 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, और ये 50 पैसा है। ओके, अब मैंने आपको बताया था 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसा। अगर आप सोचो 50 पैसा कितना होता है, 100 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़ जितना ही हो जाएगा। ओके, 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज़, तो ये हुआ कितना, 26 रुपीज़, मतलब 20 + 5 25, और 250 पैसा होता है 1 रुपीज़, तो 26 रुपीज़। और बाद में ये सारे के आपको ट्रेसिस कर करके और इतनी नोट्स बनानी हो तो आप बना सकते हो। अब उसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, राइट द अमाउंट ऑफ द मनी शोन बाय नोट्स एंड कॉइन्स। यहाँ पर कुछ नोट्स और कॉइन्स दी हुई है, हमें उन सबको प्लस कर कर और टोटल अमाउंट बतानी है। जैसे यहाँ पर है 100 रुपीज़ की, और 50 पैसे के 2 कॉइन्स है, 100 रुपीज़ की 1 नोट और 50 + 50 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज़, तो ये हुआ 101 रुपीज़। यहाँ पे 100 की स्पेलिंग के पीछे डी लगा देना, मिस्टेक रह गया है। उसके बाद यहाँ पर है 50 रुपीज़ की एक नोट है, 20 रुपीज़ की एक नोट है, तो 50 + 20 इक्वल्स टू 70 रुपीज़। और उसके बाद ये है 5 रुपीज़ का 1 कॉइन, तो हुआ 75। फिर 2 रुपीज़ की नोट्स है, तो 76, 77, 78, 79, 80, 81, और ये 50 पैसे के 2 कॉइन्स, मतलब 82, तो यहाँ पर आपको टोटल लिखना है 82। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपको दिए हुए कॉइन्स और नोट्स दी हुई है, जैसे 20 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है, तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, और ये 1 रुपी का 1 कॉइन, मतलब 41। फिर ये 50 पैसे के 2 कॉइन्स, मतलब 42, 43, 44, और ये 50 पैसा का 1 कॉइन जो है वो एक्स्ट्रा रह जा रहा है, तो कितना होता है, 44 रुपीज़ एंड 50 पैसा। इसी तरीके से आप यहाँ पर अमाउंट लिखोगे, और बाकी के अमाउंट्स भी जो है वो मैंने ऐड कर कर और यहाँ पर लिखी है, जो आपको PDF में आ जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, शॉपिंग। अब इस पेज पर यहाँ पर जो है एक सेल्फ सर्विस स्टोर है, जहाँ पर आपको चीज़ें दी हुई है और उसकी अमाउंट दी हुई है, आप देख सकते हो। जैसे कि बॉल है, तो 1 बॉल 7 रुपीज़ ईच, मतलब 1 बॉल का कितना होता है, 7 रुपीज़ होता है। 1 टॉय का 2 रुपीज़। इसी तरीके से आप आगे टॉय कार है, जिराफ है, डॉल है, बुक्स है, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी है, विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और अ पेपर फाइंड द कॉस्ट ऑफ, बगैर पेंसिल और पेपर के यूज़ के हमें कुछ चीज़ों का कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 1 बॉल एंड 1 टॉय कार, तो 1 बॉल का है 7 रुपीज़ और टॉय कार का है 15, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास होगा 22, तो टोटल होता है 22 रुपीज़। 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स,
तो वन नोटबुक का है 5 रुपीज़, और टू पेंसिल का अगर हम देखेंगे तो 2.5 + 2.5 तो होता है 5 रुपीज़, तो 5 + 5 = 10। टू बनानास एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, वन मिल्क के ग्लास का होता है 3 रुपीज़ 50 पैसा और टू बनानास का होगा 3 रुपीज़, तो टोटल जो होता है वो होता है 6.5 रुपीज़। वन डॉल एंड अ बॉल, वन डॉल का है 8 रुपीज़ और वन बॉल का है 7 रुपीज़, तो 8 + 7 कितना होता है 15। वन ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, वन ग्लास ऑफ लेमन जूस 3 रुपीज़ का है और बिस्किट का पैकेट 4.5 रुपीज़ का है, तो 3 + 4.5 तो होता है 7.5 रुपीज़। ओके, इस तरीके से आपको ये यहाँ पर लिखना है। बाकी का जितना भी जो आपकी एक्सरसाइज है वो सब आपको PDF में आ जाएगी, जो आपको लर्न करना है और समझना है। एंड चिल्ड्रन, राइट एवरीथिंग इन योर नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स एंड कंप्लीट योर बुक्स। ओके, थैंक यू।